अपने सारे पैन पे। वाह, ये आ गया सारा मटेरियल फिर से। ओहो, स्पीड तो भैया है रो। हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई दिल्ली के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आज के आज फिलहाल हम लोग करोल बाग में केवी चाट है। तो भैया केवी चाट के पास लाइव बूमलेट वगैरह मिलते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त चीजें मिलती है। तो पहले चलते शॉप पे, ओनर से करते बात, उसके बाद चलते भाई लाइव बूमलेट बनवाते और देखते भाई, क्योंकि लाइव बूमलेट खाने का मजा ही कुछ और, खाने से पहले उसका बनने का जो स्टाइल है वो देखने मजा आ जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगी। तो चलते हैं, ओनर से बात करते हैं। तो भाई चलो आज के केवी चाट वाली शॉप पे, तो भैया से कर लेते बात। भैया से आपका नाम क्या है? राकेश कुमार नाम है आपका। और फिलहाल कितने दिनों से शॉप चल रही है आपकी? 1970। तो काफी पुरानी शॉप हो चुकी है। टाइमिंग के वैसे आपकी शॉप की 1 से 10। और ये लाइव मुंगलेट का क्या स्टाइल, कब से ले आए आप? 12 साल हो गए इसको चलाते चलाते। और टिक्की वगैरह आप मतलब 1970 से खिला रहे हैं, तो हाफ कट करके जो दिख रहा तवे पे ये चीज अलग ही दिख रही है अभी आपके चाट की। तो चाट तो हर जगह मिलती, लाइव मुंगलेट नहीं मिल रहा, तो मैं वही ट्राई करना चाहता हूँ आपका आज। ठीक है, लेकिन मैंने बनाते हुए देखा उन्हें, तो उनकी स्टाइल तो निराली दिख रही है, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास। तो चलते भाई लाइव मुंगलेट वाले भैया के पास, जो बनाते हैं स्टाइल दिखाते हैं, उनकी स्टाइल बहुत निराली है। तो चलो भाई अपने लाइव मुंगलेट बनने जा रहे हैं। तो भैया ये किस चीज का होता है? मूंग की दाल का। और क्या क्या ऐड करते हैं इसमें? इसमें फिलिंग करते हैं प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, चुकंदर, धनिया। अच्छा, सारा मटेरियल सारी वेजीज ऐड कर देते हो। तो भैया वेट हो रहा है, एक दो कस्टमर आ जाए। तो चारों पैन पे एक साथ लाइव मुंगलेट बनने वाले हैं। तो चलो शुरुआत होने जा रही है। तो ये मूंग की दाल है और इसमें सारा मटेरियल ऐड है पहले से ही। ये हो रहा प्याज ऐड, ये कॉर्न भी ऐड हो गए और कैप्सिकम भी ऐड हो गए भाई। और ये आ गया सॉल्ट, सारा मटेरियल ऐड हो चुका है। अब आने वाले भाई पैन पे और फायर वगैरह लगने वाली है, बहुत जबरदस्त वाली। दुनिया के नए अजूबे हैं ये, एक तरह से भी दिखाएंगे इनकी कलाकारी आपको। तो ये आ रहा बटर अपने सारे पैन पे। वाह, और ये आ गया मूंग वाला मटेरियल जितना भी था वेजीज के साथ वाला। फिर से लगी फायर, ये आ गया सारा मटेरियल फिर से। ओहो, स्पीड तो भैया रोबोट की फेल है इनके आगे। ये ऊपर से धनिया ऐड कर दी गई और ये आ गया भाई ब्लड बहुत तेज भागता है। ये है चुकंदर और फिर से भाई बटर, ये लगी आग, क्या बात है। और ये फिर से मटेरियल आया। ओहो, पैन ऐसे भागते हैं जैसे कोई बिना ब्रेक की गाड़ी है। ये फिर से ओनियन, ये स्वीट कॉर्न आ गए, ये कैप्सिकम आ गया, ये सॉल्ट ऐड कर दिया फिर से। तो फिर से दाल वाला मटेरियल रेडी होता हुआ और ये आया चौथे पैन पे फिर से बटर और ये लगी फायर। और फिर से इसके ऊपर भी धनिया, चुकंदर, इस पे भी धनिया और चुकंदर, चारों पैन चढ़ चुके। अब होने वाला है कमाल। ये लो भाई। तो भैया ये फिर से जो मूंगलेट है वो पलटे जा रहे हैं बारी बारी से। सारे मूंगलेट उठा उठा के पलटा दिए गए, तो नीचे और ऊपर के लेयर बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए भाई, खाने का मजा तभी आने वाला है। तो भाई मूंगलेट उड़ने वाले हैं। ओहो, अभी तो कुछ नहीं गड़ा, अभी आसमान में जाएंगे अपने मूंगलेट।
मिक्सचर है ना नया वाला, थोड़े थोड़े तो मुंगलेट अपने रेडी होने वाले हैं, लेकिन अभी धमाल होने वाला है। इन सब चीजों को देखने का वेट ही नहीं होता भाई। ये गया, ये भाई साहब क्या बात है, ये लो। सारे मुंगलेट जा रहे ऊपर तक। तो ये 20 से कट कर रहे जा रहे सारे। वाह भाई, बटर खिलाया जा रहा है, चटर कर रहे हो सब लोग। क्या बात है भैया, ज्यादा पक जाते क्या है उधर करने से? हाथ चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, थकान होती है जिसके हाथ ज्यादा चलते हैं। ओ ये बात है, स्टाइल निराला है वैसे आपका। टैलेंट कहाँ से ले आए याला? ऊपर वाले का दिया हुआ है बिल्कुल। सात आठ साल हो गए, मतलब 14 से आप परमानेंट आप चला रहे हो। कुछ नया तो चलो भाई, मुंगलेट अपना कट हो चुका। दो एक जगह है, डबल बटर हो रहा है। तो चलो भाई, अपना आ चुका मुंगलेट और साथ में मिली हरेली चटनी और ये मीठी है। चलो ट्राई करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। देख लो भाई, लेयर अंदर वेजीज वगैरह पड़ी हुई है काफी अच्छे से। तो चलो ट्राई करते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म है अभी तो फिलहाल। भाई चटनी बहुत टेस्टी है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत जबरदस्त है। कि पहले ही आऊंगा तो इसको खाने जरूर आऊंगा करोड़ बार। इतने दिन की चटनी की बहुत अच्छी है, और मीठी चटनी की जैसे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन इनकी मीठी चटनी वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आप भी आओ ट्राई करो आकर। अंदर तो वेजीज फील है और ऊपर से चुकंदर और धनिया लगाई गई थी, वो बहुत जबरदस्त टेस्ट दे रही है, और चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। एक बार जरा बिना चटनी के भी ट्राई कर लेते हैं इसको। चाहे सूखा खा लो और चाहे चटनी के साथ खा लो, दोनों के साथ खाने में बड़ा मजा आ रहा है। दोनों के साथ नहीं, मतलब एक बार सूखा एक बार चटनी, लिटरली टेस्ट बहुत जबरदस्त है। और प्राइस इसका 100 रुपीज है, और एक्स्ट्रा बटर अगर ज्यादा खाने का शौक है तो 120 रुपए का मिलेगा। तो चलिए फाइनली फिनिश करते हैं अपना लाइव वाला मुंगलेट।